So today we are going to discuss about the Golgi apparatus. Last time हमने endoplasmic reticulum को थोड़ा सा discuss किया था, उसकी detail देखी थी, उसकी types and function देखे थे. So today we have a Golgi apparatus. Golgi apparatus को हम Golgi body भी कहते हैं, Golgi complex भी कहते हैं. Basically it is a membrane bounded organelle that involved in the processing of protein. It means like it can store and modify protein to perform specific function and prepare them to transport from one part to another part of the cell. It is present in all cells except red blood cell. It is named after discoverer Camillo Golgi. Usually each cell has one Golgi apparatus, लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा Golgi apparatus भी मौजूद होते हैं. Golgi apparatus जो है 5 to 8 flattened membranous sacs पर consist होते हैं, जिन्हें हम cystoneae कहते हैं. ये इसका कुछ structure है. ये basically nucleus के करीब मौजूद होते हैं. इसके 2 ender face होते हैं, जिन्हें हम cis face और trans face का नाम देते हैं. जो cis face होता है वो endoplasmic reticulum को face कर रहा होता है. basically जो endoplasmic reticulum से निकलने वाली reticular vesicles जो होती हैं वो इस face के जरिए Golgi apparatus में enter होती हैं और then जाके process का सारा उसका काम चलता है. ट्रांसफेज का फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसफेज जो होता है सेल मेम्ब्रेन वाली साइड को फेस कर रहा होता है. जितने भी प्रोसेस हुए हुए सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो इस फेस के जरिए Golgi apparatus से बाहर निकलते हैं और सेल के दूसरे पार्ट तक चले जाते हैं. Golgi apparatus का अगर हम फंक्शन देखें तो इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? प्रोसेसिंग, पैकिंग, लेबलिंग, डिलीवरी ऑफ प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल लाइक लिपिड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स. ये हमारे पास Golgi apparatus है. सिस फेस है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रांस फेस है. सिस फेस हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को फेस कर रहा होता है. जितने भी रेटिक्यूलर वेजिकल्स होते हैं लाइक दिस, ये इस फेस के जरिए Golgi apparatus में एंटर होंगी. देन प्रोसेसिंग, पैक्ड और लेबलिंग का सारा इसका फंक्शन होगा और देन ये ट्रांस फेस के जरिए यहाँ से निकल कर दूसरे पार्ट तक चली जाएंगे. ये हमारे पास सिस्टरनाइज हैं जो 5 to 8 सैक्स पर कंजिस्ट होते हैं. अगर इसका फंक्शन हम डिटेल में देखें कि किस तरह से काम करता है, तो बेसिकली 3 स्टेप्स में ये अपना काम कंप्लीट कर देता है. सबसे पहले तो प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल. ग्लाइकोप्रोटीन जैसे वेसिकल्स जो होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन या लिपिड्स वगैरह जो हैं वो Golgi apparatus में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड को Golgi apparatus जो है वो मॉडिफाई करता है, प्रोसेस करता है. फिर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल. जितने भी प्रोसेस्ड मटेरियल होते हैं वो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल, सिक्रीटरी वेसिकल और लाइजोसोम की फॉर्म के अंदर पैक कर दिए जाते हैं और सेल से बाहर या सेल के दूसरे पार्ट तक इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. इसी वजह से हम Golgi apparatus को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं. एंड द लास्ट स्टेप इज लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल. फाइनली जब Golgi apparatus सॉर्ट आउट कर लेता है सारा प्रोसेस एंड पैकिंग प्रोसेस, जितना भी इसका सारा होता है, लेबल वगैरह उसने कर लिया, पैक कर दिया, प्रोसेस्ड कर दिया, देन उसकी केमिकल कंटेंट पे देख के, मतलब कि जो हमारे पास पार्टिकल होगा या जो भी सब्सटेंस वगैरह होगा उसकी केमिकल कंटेंट पे डिपेंड करते हुए ये इसको डिलीवर कर देता है टू देयर डेस्टिनेशन, कि किस पार्ट पर उसने इसे भेजना है वहाँ पे इसको ये भेज देगा. इसी वजह से हम इसको Golgi apparatus को शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल भी कहते हैं. सो Golgi apparatus की हमारी डिफरेंट नेम है, कुछ स्ट्रक्चर है. होपफुल आपको समझ आ गया होगा. अगर नहीं आएगा देन वी कैन फाइंड आउट अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच.